वेल तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सभी लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कौन सी विंडोज अपने पीसी में इंस्टॉल करके रखते हो तो गाइस ज्यादातर बंदों का कहना होगा कि भाई हम विंडोज 10 यूज करते हैं बिकॉज आजकल के जमाने में ज्यादातर बंदे अपने पीसी या फिर लैपटॉप में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखते हैं। ये आजकल का स्टैंडर्ड बन चुका है। कई लोग विंडोज 7 भी रखते हैं बट गाइस अगर हम जनरली बात करें तो ज्यादातर बंदों के पास विंडोज 10 है। तो गाइस वैसे तो कहा जाता था कि विंडोज 10 के बाद कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आने वाला, विंडोज 11, 12, 13, 14 या फिर कुछ भी भाई यहाँ पर नहीं होगा, विंडोज 10 ही रहेगा। बट गाइस यहाँ पर हाल ही में बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है विंडोज 11 की। आप सभी लोगों को गाइस न्यूज में या फिर गाइस आप सभी लोगों ने अपने फेवरेट पीसी टेक क्रिएटर के वीडियो में देखा होगा जहां पर उन्होंने बात की है विंडोज 11 के बारे में। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं भी इसी के बारे में बात करने वाला हूं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि विंडोज 11 क्या सच में आने वाला है तो कब आने वाला है और विंडोज 11 विंडोज 10 से कितना फर्क होगा, विंडोज 11 में कौन कौन से नए फीचर्स होंगे, मतलब भाई सब कुछ जो आज तक मुझे पता है आप सभी लोगों को मैं बता दूंगा। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल तो गाइस सबसे पहले बात करें कि विंडोज 11 आने वाला है तो गाइस इसका आंसर है हाँ आने वाला है। बिकॉज गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक गाइस यहाँ पर विंडोज 11 का ISO लीक हुआ है जो कि गाइस यहाँ पर डेवलपर ISO है जहां पर आप सभी लोग विंडोज 11 को देख सकते हो कि गाइस विंडोज 11 कैसी आने वाली है। अब गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ज्यादा बंदे सोच रहे हैं कि जो ISO है जो कि भाई यहाँ पर वेबसाइट में आपको देखने के लिए मिल रहा है अगर हम उसको डाउनलोड कर अपनी विंडोज 11 को चला लेंगे तो हम मस्त उसको चला पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं है, अभी विंडोज 11 पूरी डेवलप्ड नहीं हुई है, ना ही आपको उस ISO में अपडेट्स मिलेंगे, थोड़े बहुत बग्स या फिर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो गाइस आप सभी लोगों को वो वाला ISO अभी नहीं इंस्टॉल करके रखना चाहिए, जब गाइस विंडोज 11 ऑफिशियली आ जाएगी तब आप सभी लोग डाउनलोड कर चला सकते हो। बात करेंगे इसके न्यू फीचर्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला फीचर तो जो स्टार्ट मेन्यू है उसको चेंज कर दिया गया है, जो आपको गाइस स्टार्ट बटन लेफ्ट में मिलता था वो गाइस अब सेंटर में कर दिया गया है बाय डिफॉल्ट। आप सभी लोग चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो एंड गाइस उसको ओपन करने का सिस्टम भी चेंज हो चुका है। जब गाइस आप उसको ओपन करते हो तो आपको अलग तरीके के आइकन्स देखने के लिए मिलते हैं, आपको गाइस वहां पर विंडोज 10 से बिल्कुल अलग अलाइनमेंट मिलेगा। फॉन्ट थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं, यहां पर देखने में गाइस बहुत ही ज्यादा मिनिमल लुक दिया गया है इसको। यहां पर गाइस जो एक्शन सेंटर था उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, आइकन्स को बहुत ज्यादा चेंज किया गया है, आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर में भी थोड़ा बहुत फर्क देखने के लिए मिलेगा और जो सबसे बड़ा फर्क है वो गाइस एनिमेशंस में पड़ा है, आपको एनिमेशंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ दी गई हैं इस बार। ये सारी चीजें गाइस यहाँ पर लीक्ड ISO में ही पता लगी हैं, अभी पता नहीं गाइस इसमें और कुछ ऐड हो जाए या फिर नहीं इसके बारे में तो हमें नहीं पता, बट गाइस मैं आपको बता दूं बहुत कुछ चेंज किया गया है, लुक गाइस बहुत ज्यादा मिनिमल एंड मॉडर्न देखने के लिए मिल रहा है उसमें। चलो गाइस ये तो बात होगी थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में, बट मैं आपको मेन बातें बता दूं जो कि यहाँ पर पता लगी हैं थोड़े बहुत रूमर्स से कि गाइस जो विंडोज 10 है उसका भाई 2025 तक माइक्रोसॉफ्ट उसके अपडेट देगा, उसके बाद नहीं देने वाला। अब गाइस इसमें कितनी सच्चाई है या फिर नहीं है ये तो हमें नहीं पता, बट जैसे मैंने वेबसाइट में रूमर्स देखे वो तो यही कह रहे हैं कि 2025 तक ही विंडोज 10 के अपडेट मिलेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, यानी कि विंडोज 11 ही आपको चलानी पड़ेगी जिसके माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स गाइस टाइम टू टाइम देता रहेगा। अब गाइस यहां पर सुनने में तो थोड़ा बहुत ये भी मिल रहा है कि आपको विंडोज 10 में ही अपडेट मिल जाएगा विंडोज 11 का, यानी कि आपका अपडेट आएगा जैसे आते हैं और आपकी विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगी, बट यार ये मुझे इतना सही नहीं लग रहा बिकॉज गाइस एक बिल्कुल ब्रांड न्यू विंडोज एक अपडेट्स के साथ तो नहीं आ सकती। यहां पर गाइस मैंने थोड़े बहुत रूमर्स देखे थे, यहां पर कई लोग ये भी कह रहे हैं, तो गाइस पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या फिर नहीं ये तो हमें आगे पता लगेगा। रूमर्स के मुताबिक गाइस इसका जो साइज बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 4 से 6 GB के अंदर अंदर इस विंडोज का साइज होगा, यानी कि 4 से 6 GB के अंदर आपकी विंडोज आपके पूरे पीसी की जो स्टोरेज है उसमें से 4 या 6 GB ले लेगी। इसको गाइस बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड बनाया जाएगा एंड आप सभी लोगों की जो परफॉर्मेंस होगी उसको भी भाई बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा, आपको अच्छी मिले। और गाइस यहाँ पर चेंजेस तो और भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं जिनको मैं एक वीडियो में कवर भी नहीं कर सकता, बट गाइस जैसे ही मुझे थोड़े बहुत चेंजेस मिलते रहेंगे मैं आपको कम्युनिटी टाइम में बताता रहूंगा कि ऐसे ऐसे सीन चल रहा है। अब गाइस यहाँ पर मेन बात आती है जो कि लोग जानना चाहते हैं, इसकी रिलीज डेट कब होगी यानी कि विंडोज हमारे पास कब आएगी। तो गाइस सबसे पहले तो बता दूं जैसे विंडोज आएगी आप सभी लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, आप सभी लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा। कोई भी गाइस यहाँ पर थर्ड पार्टी लिंक में जाकर कोई आपको लिंक प्रोवाइड करे वैसे गाइस सीन मत करना, बिकॉज गाइस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली आपको देगा, उनकी वेबसाइट में आपको मिलेगी जितने भी वो प्राइस की कहेंगे आपको मिलेगी। बट गाइस मैं आपको बता दूं फालतू कोई भी थर्ड पार्टी लिंक या फिर ऐसो में क्लिक मत करना, इसके साथ आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, फिर और बहुत ज्यादा सीन हो सकते हैं, तो इससे बचकर रहना। अब गाइस यहाँ पर जो रिलीज डेट का रफ आइडिया है जो लोग बता रहे हैं जो कि रूमर्स के हिसाब से है वो गाइस यही है कि 2022 तक या फिर 2021 के एंड तक हमें ये विंडोज देखने के लिए मिलेगी अपने पीसीज के लिए। बाकी गाइस मैं आपको बता दूं 24 जून में एक मीटिंग भी होने वाली है, जो मीटिंग में शायद गाइस कहा जा रहा है कि शायद हमें कुछ यहां पर पता लग जाए विंडोज 11 के बारे में, और तो गाइस वो मीटिंग भी आप सभी लोग वेट करो, क्या पता उस मीटिंग में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब गाइस यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि इसका UI बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है, तो गाइस यूजर इंटरफेस ही मेन होता है, तो देखते हैं कितना बढ़िया होगा विंडोज 11 का।
आपके गाइस यहाँ पर क्या विचार है विंडोज 11 के बारे में। अगर आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लोगों को बताओ एंड हमें पता लगे कि विंडोज 11 में क्या क्या न्यू आने वाला है। जितना गाइस मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ जल्दी से वीडियो को एडिट करने। मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में।